चैतुआ कहाँ कर रहा है? Oh, no. दिख नहीं रहा, छिल रहा हूँ। सबके सामने सड़क पे। अबे साले मैं घास छिल रहा हूँ, तुझे क्या लगा? नहीं नहीं, मैं ये कहने आया था कि कल भोसड़ी वाले तुम्हारे घर आएंगे। अबे साले गाली दे रहा है मुझे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था ना कि जो भोसड़े गांव के हैं, नहीं वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेके देखने आ रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी का रिश्ता भोसड़ी वालों की तरफ से आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तैयारी पे लग जाता हूँ। यही घर है लगता है, नहीं? हाँ 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 हाँ, यही घर है, यही भोसड़ी वाले आप ही हो ना? भाई वाह, कितना मिठास भरा हुआ है मेरे समाधि जी के जुबान में। समाधि ने समधे, अरे वही समाधि समधे है क्यों, ऐसी जगह रिश्ता जोड़नी चाहिए। हाँ। देखा? हाँ, देखा संस्कार ऐसे सीखो। चलो आओ। हाँ हाँ भाई साहब, आइए 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 भाई साहब, आइए आइए। छोटू किधर गया? कुर्सी लगा मेहमानों के लिए। हाँ आया। छोटू किधर गया? हाँ मेहमानों को जलपान करा? हाँ हाँ, क्या मेहमानों को पानी नहीं पिला और क्या? वो बर्फी ले आऊं अंदर से? बर्फी खिलाएगा मेहमानों को? बर्फी खिलाएगा? नाम रखना पड़ेगा तू इनके सामने। छेना ही ले आता हूँ। छेना? छेना लेकर आएगा? छेना खिलाएगा इनके सामने? इतनी गंदी चीज का नाम ले रहा है तू। बिजली करा लिया मेरे मेहमानों के सामने। जाके नीचे से डब्बा में से 10 ग्राम चीनी से कम मत लेकर आना। जा पानी फ्रिज वाला ही देना है ना। फ्रिज का पानी पिलाए तबीयत खराब करेगा लोगों का। फ्रिज का पानी पिलाएगा सर्दी हो जाएगा इन लोगों को। जब 50 फीट नल गड़वाया हूँ उसमें से चला कर लेकर आ जग में। जा जल्दी। हाँ तो भाई साहब आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, हमारे लड़के साथ किसी भी लड़की उड़की के चक्कर नहीं है भैया ना। छोटू कहाँ रह गया यार? पानी लाने के लिए भेजा, आया नहीं अभी तक क्या? अरे नहीं नहीं, घर तो आपका वाकई बहुत बढ़िया है। घर तो आपने सोच समझ कर बनवाया, मुझे लगता है ये इंजीनियरों की पसंद से आपने बनवाया है। जी क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, क्या फूल रहा हूँ? तो कुछ दूसरा बोल रहे हैं आप? कुछ दूसरा बोल रहे हो? बुढ़ा बहरा है क्या यार? भाई साहब पानी आ गया, पानी पानी पीजिए। अरे ये 3 गिलास किस लिए लेकर आए? 3 आप लोग पीने? 3? मैं पानी पीऊंगा। पानी बर्बाद कर रहा है, लेकर जा बेवकूफ कहीं का, उठा के लेकर जाए। लीजिए भाई साहब पानी पीजिए, पानी पानी पीजिए। हाँ तो बेटा करते क्या हो तुम? अरे उससे क्या पूछते हो, हम बताते हैं, हमसे पूछो। हाँ तो भाई साहब आप ही बता दीजिए क्या करता है आपका लड़का? भाई लड़का तो हमारा बहुत कुछ करता है, यू नो व्हाट, खाता है पीता है हटता है चलता है फिरता है, बहुत काम करता है। ओह नो। नहीं नहीं, मेरा मतलब था पढ़ाई क्या कर, कितना किया है, क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का? मेरे कहने का मतलब ये है भाई लड़का तो हमारा प्रथम पास है और लड़का बकायदा साइन कर लेता है। पेपर लेकर आइए अभी दिखा देते हैं। किस लिए भाई साहब? पेपर किस लिए? अरे साइन करने के लिए, और किस लिए भैया? नहीं नहीं भाई साहब, मेरा मतलब था आपका लड़का कोई कोर्स वोर्स तो किया होगा। हाँ हाँ मेरा लड़का MM में सब पास है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? हाँ लोंडेवाजी यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से मेरे लड़के ने पास किया। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपके लड़के ने बहुत बहुत ही हाई लेवल की कोर्स की है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब, लेकिन दहेज वहेज की बात कर लें तो ठीक ठाक रहेगा। दहेज? मेरे सामने दहेज की बात कैसे की? बैठो 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 बैठो। बेचारे लड़के वाले अपनी लड़की भी दें और दहेज भी दें,
ये कहाँ का न्याय है? बैठो बैठो। मेरे सामने दहेज, दहेज और मुझसे। अरे बैठो बैठो। ये कितना गलत काम, बहुत बुरा तुम लोग कर रहे हो। बैठो बैठो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि आप लोग दहेज नहीं लेते, दहेज के खिलाफ हैं। मुझे नहीं पता था भाई साहब, माफ कर दीजिए भाई साहब। हाँ हाँ, दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें दहेज की बात मेरे सामने करना भी मत, हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए। बस आप लोग वही दो चार फॉर्च्यूनर और 8-10 किलो सोना और 60-70 लाख कैश दे देना बस, और दहेज की बात मेरे सामने करना भी मत। उससे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? बस बस, जितना हमने कहा उतना ही दे दीजिए, और हमें दहेज नहीं चाहिए। जितना काम उतनी ही आपूर्ति कर दीजिए, बस ज्यादा मैंने चाहिए भैया। अरे क्या हो गया भाई साहब? क्या भाई साहब, उठो उठो। ओ भाई साहब, ओ क्या हुआ, क्या हुआ भाई साहब? उठो उठो उठो। क्या हुआ इनको? पानी मारो पानी। अरे बाबूजी, मेरे साथ तुमने चौपट करवा दी। हाँ बेटा, मैंने तो ज्यादा कुछ मांगा नहीं, लेकिन बहुत महंगा पड़ गया हमें ये रिश्ता। चल बेटा जल्दी से यहाँ से भाग, नहीं तो दहेज का तो पता नहीं गाँव वाले बड़ी मार मारेंगे।